देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। चन्ना ने मरण तो पहला तो अपने सारे फर्ज निभाए ही, हमेशा देवांश जी दे अंग संग रहे ही, बल्कि मरण तो बाद भी एक परछावा बन के अज तक देवांश जी दे नाल ने। सिख होना तो कुछ ते तू अपनी अद्धी उम्र गुजार ली, पर हजे तक तेनू मां शब्द के असली मायने पता नहीं लगे। वो पता है क्यों? क्योंकि तू रिश्तों को अपनी जरूरत के मुताबिक आप ही बनानी ते आप ही बदल लेनी। नयन, तेनू जैसमिन ते मुंह लगन की कोई लोड़ नहीं है। तू मेरे नाल मेरे रूम दे विच चल। ये सब की है कुछ समझ नहीं आ रहा। नयन ने जैसमिन नू गल्लां च मात दे दित्ती। नयन जैसमिन दी गल मन भी रही है ते उनू सुना भी रही है। ये की चक्कर है कुछ समझ नहीं आ रहा। उत्तों ये पोंपी, इहदा हजे तक फोन नहीं आया। सानू छेती नयन दा कुछ करना पएगा, नहीं तो इस नयन ने सानू चाह चों मक्खी वांग बाहर कट देना है। आ गया फोन। हेलो। मुबारकां दीदी जी, मुबारकां। अपना काम हो गया। काली बाबे ने नयन ते देवांश दोनों का काम कर दिता है। हुण नयन साडे तो किसी भी हालत में बच नहीं सकती। की तू सच कह रहे? ओ हाँ दीदी जी, हुण इन्नी क्रिटिकल सिचुएशन दे विच मैं तुहाडे नाल झूठ बोलांगा? जे नयन दे कोल गुरु जी ते नैना देवी माने ना, तो हुण साडे कोल भी काली बाबा है। चलो मैं तुहानू घर आके सब कुछ दसदा। ठीक है, तू छेती घर आ जा। हुण खेड बराबरी दा होएगा। हुण नयन दीआं शक्तियां नूं ਸਾਡੇ ਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਓਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਜੀ ਲਈ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। वाह जी, काली बाबा दा बड़े महान निकले। आंदे दिवांश नू वास्च करन दा मौका दे दिता। मैनू दिवांश नू काली राख खवान दा इस तो चंगा मौका दोबारा नहीं मिलना। चाहिए मामा जी? हो, प्यास लगी थी, मैं क्या तूसी पी लिए। पिटी, हाँ फ्रिज में जूस लगता नहीं पिया, देखी जरा आगे। हाँ एक सेकेंड, इतने का हैगा सी मामा जी। हो पता नहीं कितने रखे आया तुसी जूस। ਪਿਆ ਸੀ
जूस तो हूं मैं पांचे का कटांगा ओनू ये राख खवा के। नयन चंगा है तो मैंने इतने मिल गई। मैं बीजी वास्ते दूध का गिलास लेके जा रही सी। तू एक काम कर ये हूं तू ही ले जाओ ना वास्ते। नहीं हूँ मैं ते वास्ते ते कमरे च नहीं जा सकती। ओ, नहीं नहीं किटी जी तुसी ले जाओ मैं जरा मंदिर जा रही सी। ठीक है नयन। नयन मैनू पता है कि तू दिवांश वीर जी के कमरे च क्यों नहीं जाना चाहती। दिवांश वीर जी मैं दूध लेके आई सी। थैंक्स किटी इतने रख दे मैं बाद च पी लांगा। पांचवीर जी मैं जानती हूँ इस वेले तुहानू नयन दी बहुत याद आ रही है। इस कमरे की हर एक चीज इस वेले तुहानू नयन दी बहुत याद दवा रही होनी है। तुहानू नयन दी आदत जो हो गई है ऐदा किसी दे नाल रहने तो बाद अचानक कल्ले रहना पै जाए तो यह आसान नहीं होंदा। नयन दा भी यही हाल है। ओ वीर जी नयन कित्थे है? मंदिर च है। तुसी आ ना दूध पी लैन। हे माता रानी दिवास जी अजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रह रहे हैं। जिथे अच मैं उन्होंने कमरे चो शिफ्ट होने की गल की वो बच्चे वांग रोन लग गए। पता नहीं उन्होंने हुण तक मेरे तो बिना नींद आई भी होनी है या नहीं। दिवास जी चैन नहीं आएगा ना मां मैं भी बेचैन रहांगी। चैन मैनू भी नहीं आना पर जदों तक जो साथ मैनू लभ नहीं लैंदी ते नहीं पता करा लैंदी कि उहदा जैसमिन दे नाल रिश्ता की है तद तक मैनू जैसमिन दे सामने दिवास जी तो दूर रहने का ड्रामा करना पएगा मां। पर उदों तक दिवास जी की रखा तुसी करो उन्होंने अंग संग रही हो मां। इस वार मैं तेरा नहीं बल्कि तेरिया यादा मारन का इंतजाम किया ते नयन एदी कन्नो कन खबर तक नहीं होएगी क्योंकि तू शरीरिक तौर ते नहीं सिर्फ मानसिक तौर ते मरेगा। उम्मीद है मां कि शमशेर जी ने उस आदमी के विज्ञापन हुण तक अखबार के विच छपवा दिते होने ते छेती वो आदमी उन्होंने विज्ञापनों पढ़ के पुलिस स्टेशन पहुंचेगा। सब के नाल नाल मेरी एक होर चिंता का निवारण करो मां। हूं तो मां नूं मुक्ति दवाउण दा राह विखाओ।
मैं भी जानती हाँ मां, उन्हां दी लाश नूं इस समय लभना कोई सौखी गल नहीं है, पर मैं भी जानती हाँ मां, साडे घर च देर जरूर है पर अंधेर नहीं। तुसीं जरूर कोई चमत्कार करोगे मां, जरूर, पूरा भरोसा है मैनूं तुहाडे ते। होवे ना होवे मां, जिथे तक मैनूं लगता है ना, उस कंकाल वाले दृष्टिया तारा ममता माते नाल जुड़िया हुई हैं। हे मां, मेरे परिवार से मेरे पर हाथ रखियो, मेरे परिवार की रक्षा करियो मां, रक्षा करियो। दीदी जी, दीदी जी, तुसी यकीन नहीं करोगे ये काली बाबा कितना शक्तिशाली बाबा है। इन्हू देख के इतना लगता है कि ये विच कालियां शक्तियां कुट कुट के भरिया हुई ने। तुहानू पता है इस बंदे ने साडी मदद करने के लिए साडे कोलों कुछ भी नहीं दिता, एक रुपया भी नहीं। इतों तक कि जो मैं इन्हू पूछा ना तो मैं कहता सही टाइम आते जो चीज मेरे चाहिए होगी ना वो मैं मांग ला। वाह, सब कुछ फ्री फंड ची हो गया। ओ हाँ दीदी जी हाँ, ते जेड़ी काली राख सानू काली बाबे ने दिती है ना, वो इतना काम करेगी कि दिवांश नू हुण पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा, ते वो साडे ते उदा ही भरोसा करेगा जिदा पहलों करदा हुंदा सी। सच्ची साढ़े पुराने दिन वापिस आ जाएंगे? हाँ दीदी जी हाँ, हुण दिवांश सब कुछ भुल के साडा गुलाम बन जाएगा, ते असीं जो चाहवांगे ना उहदे तों उही करवा लांगे। असीं नयन तों प्रॉपर्टी दे पेपर्स ते साइन लै तां रहे हां, मेरे काली रख दी की लोड़ है? असीं किन्नी वारी दिवांश नूं जानू मारन दी कोशिश कीती सी, ते किन्नी वारी प्रॉपर्टी सानूं मिलण वाली सी पर मिली। कोशिश तो बहुत कीती पर प्रॉपर्टी मिली नहीं, क्योंकि नयन हर वारी इदां दा कुछ करती सी जिहदे नाल साडा सुपना साडे तों दूर हो जांदा सी, पर इस वारी सानू बड़ी सोच समझ के चाल चलनी पएगी। इस नयन तों तां असीं साइन करवा ही लवांगे पर सानू दिवांश नूं भी अपने हाथ विच रखना पएगा, क्योंकि बाय चांस जे नयन ने साइन ना कीते तां दिवांश साडे कोल बैकअप दे तौर ते रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉबी। नयन, तू इत्थे की कर रही है? मैं जानती हाँ दिवांश जी, जद कदी भी थानू नींद नहीं आती
अक्सर तुसी ऐसे जगह ते आया करदे हो। जे तेनू मेरी नींद दी इन्नी परवाह हुंदी तां तेनू रूम छड़ के नहीं जाना चाहिदा सी ना। फिकर सिर्फ रूम दे विच रह के ही नहीं हुंदी देवांश जी, जे तुहाडी फिकर है तां ही इत्थे आई हां। दीदी जी हुण तुसी एक काम करना है, ये काली बाबे की राख तुसी देवांश नूं रोज थोड़ी थोड़ी करके देनी। अज की डोज तो मैं दे दित्ती है, कल तो हुण ये जिम्मेदारी तुसी संभालो। पोंपी इस बार तू सही जाल बुने है। एक पासे मैं देवांश नूं एक काली राख खवा के अपने वश च करांगी, ते दूजे पासे बाबा काली नेहा नू कैद करन दा इंतजाम करेगा। नेहा और देवांश नू तां अंदाजा भी नहीं होएगा कि वह किस मुसीबत च फसन वाले ने। जैसमीन दे ड्रामिया करके नेहा दा पूरा ध्यान जैसमीन वाल है, ते यह साडे लई सब तो वधिया मौका है। मैं कल ही नयन तो तलाक के कागजा की बजाय प्रॉपर्टी के पेपर्स से साइन लवांगी, फिर देखदी हाँ यह नयन साढ़े तो किवें जितती है। एक गल पूछा। हाँ जी देवांश जी। नयन इन्ने चंगे होने का की फायदा जद बार बार सब दे सामने अपने आप नूं सही साबित करना पवे। देवांश जी प्रीख्यावां तां महापुरखां ने भी दित्तियां ने, फिर असीं तां उहनां अगे चीज़ ही की आ। नाले परमात्मा प्रीख्या भी उहनां दी लैंदा जिन्हां उप्पर उहनूं विश्वास हुंदा है, जो उहदे करीबी हुंदे ने। तुसीं फिकर क्यों कर रहे हो, साडे नाल तां आप माता नैना देवी जी ने। देवांश जी रात बहुत हो गई है, मैनू जाना चाहिए। रुकना नयन, कि तू आज रात मेरे नाल टेरेस ते नहीं बिता सकती। हाँ जी देवांश जी क्यों नहीं। देवांश जी तुसी ऐता की देख रहे हो। नैन असी एक दूजे लिए कद जियांगे, असी ऐता कदी टाइम ही नहीं स्पेंड करते। जद भी असी एक दूजे के सामने होंदे आ किसी होर दियां ही गल्लां करदे आ। देवांश जी अज की रात तो अपनी है ना, यह समा साडा है, तुहाडा ते मेरा, इहदे विच कोई तीजा है ही नहीं। इसलिए अज कल भी सिर्फ तुहाडी ते मेरी होएगी, किसी तीजे की नहीं। ते नाले जे अज साडे मन च कोई सवाल है ना एक दूजे नूं लैके, असीं उह वी पुछ सकते हैं। नयन
नयन तेरे सुफने की ने सुफने दिवांशी फिलहाल ता मेरा सुफना यही है कि मैं थानू खुश रखा सुरक्षित रखा अपने कोल रखा ते जिन्ना प्यार दे सका ना उन्ना दमा इस तो अलावा मेरे होर सुफने की हो सकते ने मैं हमेशा थोड़ी रख्या कवच बन के थोड़ी अंग संग रहना चाहनी हाँ थोड़े ऊपर कभी भी कोई मुसीबत आए ना तो मैं चाहनी हाँ कि मैं थोड़ी ढाल बन के हमेशा उस मुसीबत के अगे खड़ी रहा यह सुफने ने मेरे